سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هنا ده ده ليكتشرر ناتشمنا رواندمنا خلدم بايو expectation جي كينو وي زيرو ليفل ده انا تو رکھا جن ندين خدا میں بين واني پڑھايو سر چوکري کاوڑ جي وئي بدو बुधो अदा बुधो क्या पढ़े हुए हो सही स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर को पढ़ा था हमने स्ट्रक्चर में से सेल मेम्ब्रेन लाइसोसोम बड़ा ये अरे जना बड़ो पोई ते हूं बोपान रुली गया से तबाह किया से सुबाने के तो पूरो दिनो ओए होए शाक दई छड़ी वन मां चाहे तो आज मां चेप तो पूरो करण वारो आ तने भाई आज पढ़ना है स्ट्रक्चर पिक्चर रिकॉर्ड हो रहा है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया के पास एक लेयर है जिसको कहते हैं सेल की वॉल. सेल की वॉल और सेल वॉल के अंदर अगर एक चीज बताऊं मैं तो वो है सेल की मेम्ब्रेन जिस पर फोल्ड है जिनको कहा जाता है मीजोसोम. ये जो मीजोसोम है क्या मैं कहूं ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर द एक्टिविटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर द एक्टिविटी ऑफ जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लगी हुई है मीजोसोम पर. जितने मीजोसोम ज्यादा होंगे उतनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिस्पायरेशन ज्यादा होगी तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है काम करने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए. ठीक तो क्या मैं कहूं मीजोसोम का एक काम है रेस्पायरेशन. हाँ भाई क्या मैं कहूं मीजोसोम का दूसरा काम है रिप्लिकेशन. पता है दो तरह के मीजोसोम होते हैं एक अदाबदो हो शुक्रबदो. एक मीजोसोम ऐसा होता है असदुल्ला कह रहा है कि ये सफा लग रहा है क्या माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाप दादा तो हैं ये बैक्टीरिया इनसे तो इवॉल्व हुआ है तो लगेगा ना अपनों की तरह. चलो भाई माइटोकॉन्ड्रिया एंसेस्टर है या बैक्टीरिया. गुड. रिप्लिकेशन कैसे करवाता है दो तरह के मीजोसोम होते हैं दो. एक मीजोसोम होता है पेरीफेरल दूसरा होता है सेंट्रल. सेंट्रल मीजोसोम सेंटर तक जाता है और यहां पे पड़े हुए डीएनए को स्टिमुलेट करता है तो डीएनए से बनता है दूसरा डीएनए. तो रिप्लिकेशन में रोल है मीजोसोम का और सेल की डिवीजन में भी रोल है मीजोसोम का. क्या कहूं कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों मीजोसोम करवा रहा है. डीएनए का जुदा होना मतलब कैरियोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का जुदा हो जाना ये एक साइटोप्लाज्म ये दूसरा एक डीएनए उधर एक डीएनए इधर. इंपोर्ट एंड
एक्सपोर्ट करना भी फंक्शन ऑफ कैसे भाई, सीडोपोडिया अगर हो तो इस वैक्यूल को लेना आसान है या केस टू में वैक्यूल को लेना आसान है? यहाँ पे बस इस मेम्ब्रेन को आपस में मिलाना है, वैक्यूल अंदर गया तो मीजोजोम जो है वो ज्यादा तेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है नॉर्मल अनफोल्डेड मेम्ब्रेन से। तो ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीजोजोम से होती है, स्पेशली एंजाइम्स की एक्सपोर्ट। जो एंजाइम एक्सपोर्ट होते हैं फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आउटसाइड द बैक्टीरिया इनसाइड द सॉइल, वो मीजोजोम से निकलते हैं। चलो जी, सेल वॉल के फॉर्मेशन करने में डायरेक्ट रोल नहीं है, साइट प्रोवाइड करता है, सेल वॉल अंदर से सीक्रेट होता है प्रोटोप्लाज्म से। ठीक हो गया। चलो भाई, मीजोजोम का सेल वॉल में वैसे रोल है, अगर पूछे तो कहेंगे है रोल है, मगर 50-50 है। तो भाई ये मीजोजोम हो गया, उसके बाद आते हैं फूड पर, या तो ऑयल के फॉर्म में फूड स्टोर है, या तो लिपिड के ड्रॉप में फैट के फॉर्म में स्टोर है, या तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर है। मेनली ग्लाइकोजन एनिमल फीचर है या प्लांट? सेल वॉल का होना किसका फीचर है? उसके पास सेल वॉल होता है दो तरह का, या तो सेल वॉल होगा ही नहीं उनके साथ। माइकोप्लाज्मा इज नॉट अ बैक्टीरिया, मगर बुक में लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा इज अ बैक्टीरिया विच डोंट हैव सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा इज आर्किया, मगर पुरानी लाइन लिखी हुई है अभी तक वही पढ़ते आए हैं कि माइकोप्लाज्मा वायर बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं है। बैक्टीरिया तो निकल गई है, अभी तो आर्किया में है, आर्की बैक्टीरिया भी नहीं है। पहले आर्की बैक्टीरिया थी ना, अभी आर क्या है, डोमेन ही अलग है, PPLO। हाँ, तो दो तरह के सेल वॉल हैं, एक दो लेयर वाला सेल वॉल, दोनों पतली लेयर, और एक सेल वॉल है एक लेयर का मगर दो से भी मोटा। अभी एक बैक्टीरिया में दो तरह के सेल वॉल नहीं होंगे, या तो दो लेयर वाला होगा या तो एक लेयर वाले सेल वॉल को कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, दो लेयर वाले सेल वॉल को कहते हैं ग्राम नेगेटिव। ये किसने बताया? ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने बताया। इसने कहा बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल दो तरह के होते हैं, एक के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स को बाद में पढ़ेंगे, अभी सेल वॉल तो पूरा करने दें, सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है। इसने कहा कि सेल वॉल बना हुआ है पेप्टिडो ग्लाइकेन का, मगर इसके अलावा भी केमिकल्स हैं सेल वॉल के अंदर। अब सुनो, ये दो लेयर हैं सेल वॉल की, एक ये वाली इसमें एक पेप्टिडो ग्लाइकेन बस, एक ये वाली इसमें भी एक पेप्टिडो ग्लाइकेन। सेल वॉल की लेयर कितनी है? हर लेयर में पेप्टिडो ग्लाइकेन की कितनी लेयर हैं? ये ग्राम नेगेटिव है, तो पेप्टिडो ग्लाइकेन की कितनी लेयर हैं? एक 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 सेल वॉल में एक एक पेप्टिडो ग्लाइकेन की लेयर, मतलब पेप्टिडो ग्लाइकेन ग्राम नेगेटिव में कम है। और ग्राम पॉजिटिव की बात करूं तो ये पेप्टिडो के, ये सेल वॉल की दो लेयर नहीं है, ये सेल वॉल एक ही है, एक ही सेल वॉल है, लेयर एक ही है, सेल वॉल एक ही है, मगर पेप्टिडो ग्लाइकेन के बहुत सारे धागे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत सारे। सेल वॉल एक ही है, पेप्टिडो ग्लाइकेन के धागे बहुत हैं, समझ आ रही है? तो लेयर एक है, किसकी लेयर एक है? सेल वॉल की या पेप्टिडो ग्लाइकेन की? सेल वॉल की एक लेयर है, मगर पेप्टिडो ग्लाइकेन मल्टी लेयर्ड है, मल्टी लेयर्ड है पेप्टिडो ग्लाइकेन, केमिकल ज्यादा है, लेयर एक ही है, समझ आ रही है? पेप्टिडो ग्लाइकेन किसके पास ज्यादा?
परमिएबल कौन, ज्यादा हाइड्रोफिलिक कौन, किसको पोरिन प्रोटीन रखने की जरूरत नहीं। नेगेटिव के पास पोरिन्स लगे हुए हैं क्योंकि ये पेप्टिडोग्लाइकेन कम है और इसके अलावा लिपिड्स ज्यादा हैं, लिपिड्स पॉलीसेकेराइड इसमें ज्यादा हैं, तो लिपिड के ज्यादा होने से यहाँ पे क्या ज्यादा है, यहाँ पे क्या ज्यादा है, लिपिड, और यहाँ पे मिनिमम, तो प्रोटीन ही प्रोटीन है, सारा कुछ आसानी से अंदर जाएगा आएगा, प्रोटीन परमिएबल है, हाइड्रोफिलिक है, और यहाँ पे लिपिड ज्यादा है तो एंटीजन पेप्टिडोग्लाइकेन जाहिर नहीं है, ढांपा हुआ है किससे, लिपिड से, लिपिड से, तो परमिएबिलिटी सेल वॉल की कम, खत्म, तो हाइड्रोफिलिक नेचर खत्म, तो कलर एब्जॉर्ब ये ज्यादा करेगा या ये वाला पॉजिटिव ज्यादा करेगा, क्योंकि हाइड्रो कलर भी तो पानी है, सॉल्यूशन है ना, तो पानी को एब्जॉर्ब करना प्रोटीन वाले का काम है या लिपिड वाले का, तो ज्यादा कलर एब्जॉर्ब करेगा तो डार्क पर्पल भी कौन बनेगा, पर्पल डाई थी ना जो ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने यूज की, और ज्यादा एब्जॉर्ब करने से ये पिंक बनेगा, कम एब्जॉर्ब करेगा, क्यों थोड़ा एब्जॉर्ब किया, क्योंकि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल थोड़े हैं, परमिएबिलिटी थोड़ी है, समझ आ रही है बात। अब सवाल पूछ रहा हूं जो 2024 में आएगा, ये मेरी सिग्नेचर आपके सामने भाई आएगा, ये पूछेगा कि सवाल ही भूल गया मैं, क्या पूछना था, क्या पढ़ाया भयो, हाँ याद आ गया, सवाल ये था अगर एंटीबायोटिक दे दें बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो कौन सी बैक्टीरिया है पॉजिटिव और नेगेटिव में जो एंटीबायोटिक को असर नहीं होने देंगी, नहीं मरेगी, मोर रेजिस्टेंट, नेगेटिव, क्यों, एंटीजन प्रोटीन को मारती है, एंटीबॉडीज एंटीजन को मारती है, और एंटीजन फॉरेन के लिए ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, तो प्रोटीन इसकी जाहिर है या इसकी जाहिर है, पॉजिटिव की, तो सारी प्रोटीन अफेक्टेड बाय ड्रग्स, केमिकल्स, इनहिबिटर्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी, और इन सब के लिए रेजिस्टेंट कौन, वो कहेगी मेरे पास प्रोटीन है ही नहीं, देखो लिपिड बढ़ी है, प्रोटीन कवर्ड है, एक्सपोज नहीं है कि एंटीबायोटिक जो आए और एंटीजन को तोड़ दे, समझ आ रही है, इसीलिए इलाज करना नेगेटिव वाली बीमारी का बहुत मुश्किल होता है, डबल ट्रिपल हाई डोज देना पड़ता है, ठीक है, और पॉजिटिव बैक्टीरिया को थोड़ा डोज देने से भी हैज गॉन हो जाती है, क्योंकि वो मरने के लिए तैयार बैठती है, सारे एंटीजन दिखा के ये मेरे एंटीजन है, आओ मारो, मरने के लिए तैयार है। चलो भाई, उसके बाद इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा है, पेप्टिडोग्लाइकेन को ऐसे यूं जैसे मैंने हाथ से पकड़ा है, ऐसे पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, एक साथ रखने के लिए धागा होता है टिकोइक एसिड, वो ग्राम नेगेटिव में ज्यादा पॉजिटिव में, बस पॉजिटिव में टिकोइक एसिड, बुक में देख लेना, नहीं लिख रहा मैं। एक और बात, पोरिंस इस पर नहीं है, पोरिंस इस पर है, एक और बात थी कि लूजली कौन अटैच होगा, जो पतला होगा ये लूजली अटैच होगा, और पेरिप्लाज्मिक स्पेस किसमें होगी, लूजली अटैच है मतलब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच स्पेस है, स्पेस इज कॉल्ड एज पेरिप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्म के बाहर, सेल वॉल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर स्पेस, इसमें क्यों नहीं है, टाइटली अटैच है, प्रोटीन चिपके हुए हैं, वो लिपिड है, चिपकेगी थोड़ी, समझ आ रही है, लिपिड की वजह से लूज अटैच है, लूज अटैच से पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर सेल वॉल किसके पास होगा, इसके पास है ही एक, एक तो आउटर मानेंगे, दो है, एक इनर एक आउटर, तो आउटर सेल वॉल, आउटर स्पेस, सेल वॉल के बाहर भी स्पेस, ये वाली किसमें मिलेगी, और 8 से 20 10 नैनोमीटर इसका
थिकनेस है सेल वॉल का, और ये 20 से 80 नैनोमीटर इसकी थिकनेस है सेल वॉल की। मार ले रटा, ये ग्राम ने बताया हमने हमको, ग्राम नाम था साइंटिस्ट का, इसने बैक्टीरिया को डुबोया कलर में, कलर करवाया एब्जॉर्ब, एक ने कम किया एक ने ज्यादा किया, सारे स्ट्रक्चर फीचर बता के कंप्लीट डेटा दी, ये वाले ग्राम पॉजिटिव ये वाले ग्राम नेगेटिव। चलो भाई मेरा क्वेश्चन देखें कहाँ है, कहाँ है क्वेश्चन, ये मैसेज तो मैंने देखा, क्वेश्चन क्यों नहीं देखा, ऊपर जाना पड़ेगा सर, बुक में ग्राम पॉजिटिव डबल लेयर है और ग्राम नेगेटिव मल्टी लेयर, ये गलतान है। देखें भाई है क्या ऐसे, ऐसे है क्या, ग्राम थेरी ग्राम ने दी थी, बिल्कुल ग्राम ने दी थी, ग्राम ने, हम कोच को नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दें, कोच का भी है लेना देना, हमारे बुक्स में नहीं है, बाहर रिसर्च में लगी वया है, लियो दिसाऊं दादा बुक की गलती आए छा, वकार फेडरल में बोले तो इन्हीं में आए लिखल, वो वकार हो इन्हीं में वाना लिखल आए पर वाना मनी ना देना, ऐसे नहीं में सही लिखल आ, नए बुक में भी तो सही आ, अलग छो छोकरी चले दी है बुक सही आ ना, शुक्र आ तां गलत समझो हूं दो, अजी मारी गाल देत बार नहीं दो हूं दो, मल्टी लेयर्ड जी गाल आ ना, मल्टी लेयर्ड सेल वाल नहीं है, मल्टी लेयर्ड पेप्टिडो ग्लाइकेन है, यही तो मैंने जो बात टेक्निकल होती है मैं जोर लगा के कहता हूं, सिंगल लेयर्ड मल्टी लेयर्ड पेप्टिडो ग्लाइकेन, सिंगल लेयर्ड सेल वाल मल्टी लेयर्ड पेप्टिडो ग्लाइकेन, माफी दे बता अजनान, लिखा हुआ है पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर सेल वॉल में, नॉट ये लिखा हुआ है कि सेल वॉल मल्टी लेयर्ड है, पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर थिक एंड मल्टी लेयर्ड, सेल वॉल की लेयर है, सेल वॉल एक है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन मल्टी लेयर्ड है, मतलब सेल वॉल मल्टी लेयर्ड है, पेप्टिडोग्लाइकेन के हिसाब से सेल वॉल एक है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर बहुत है, जैसे यार एपिडर्मिस एक लेयर को कहते हैं, एपिडर्मिस किसको कहते हैं, पांच लेयर को मिला के कहते हैं, वो मल्टी लेयर्ड है ना, एक एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड हो गई, एपिडर्मिस एक मानेंगे, पांचों लेयर को एपिडर्मिस मानेंगे, थिन एंड सिंगल लेयर्ड, ऐसे ग्राम नेगेटिव में दो लेयर होती हैं सेल वॉल की, सेल वॉल दो हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन की एक एक लेयर है, जो मैंने बताया वो सही बताया, फाइव सब लेयर्स हैं, बट कंसीडर वन करेंगे स्किन को, बिल्कुल ऐसा ही है, बायोफिल्म के बारे में बताता हूं, वेट अदा ब्रेक ना करनी तां दे दे अद अद ब्रेक 15 मिनट दींदो, मुझे खबर न हुई मां तां दे पीरियड वठदम, मां ओडे वठण वयम इता मुझे चयो त मैं लेने वक्त पीरियड थोड़ो पड़ी वठाऊं, ठीक है न त मां रोज जी रूटीन होंदी 10-15 मिनट एक्स्ट्रा वड़दा दे पया, रोज जी रूटीन होंदी भाई, सिस्ट वगैरह पढ़ेंगे, डोंट वरी क्या पढ़े होते ग्राम पॉजिटिव, हाँ भाई सुने ये क्या चीज है, ये वाली बेसल बॉडी कहां पे अटैच है, साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन के साथ, और इससे निकला है ये क्या हुक ग्लास की तरह, और इसमें लगा हुआ है फ्लेजिला, इसमें ये लगा हुआ है फ्लेजिला, ठीक है फ्लेजिला नहीं सॉरी फिलामेंट, ये बेसल बॉडी, तीनों को मिला के अब कहेंगे फ्लेजिला,
लोकोमोशन करेगा, फ्लेजुलरी मूवमेंट कहेंगे। हुक का क्या काम है? फ्लेजिला को कंप्लीट मूव नहीं करने देगा, अपने एक्सेस में मूव करने देगा, अपनी लिमिट में मूव करने देगा, इधर इधर इधर, कंप्लीट ऐसे नहीं, सो जाएगा। फ्लेजिला की फिलामेंट, फिलामेंट की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। भाई बायोफिल्म पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर तो पढ़ने देना। कैप्सूल में है, कैप्सूल मैंने पढ़ाया है अभी, सेल वॉल पे उसके बाहर कैप्सूल है, कैप्सूल में ये चीज पढ़ाऊंगा, यही टॉपिक है। सब टॉपिक को तो आने देना, क्रोमेटोफोर भी पढ़ेंगे। ये कौन सी चीज है? ये वाली पिलाय, कौन सी प्रोटीन की बनी हुई है? पिलिन। फ्लेजिला कौन सी प्रोटीन का बना हुआ है? फ्लेजिलिन या ट्यूबुलिन? बैक्टीरिया का है फ्लेजिलिन। और ये होलो है या पिलाय होलो है? फ्लेजिला सॉलिड है, पिलाय होलो है। होलो है तो इससे मटेरियल निकलेगा। पिलाय को कहते हैं या पिलाय या फिम्ब्री। जब अटैचमेंट का काम करे किसी के साथ चिपकने का, तो पिलाय इज कॉल्ड एज फिम्ब्री। और अगर पिलाय एक बैक्टीरिया, ये लाल कलर की बना रहा हूं मैं, ये इधर से बैक्टीरिया बना रहा हूं, ये इसकी क्या है? पिलाय है। ये इसकी क्या है? पिलाय है। अब ये बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल अपना इसको देना चाहती है, ये डोनर या प्लस, ये रेसिपिएंट या माइनस, या ये मेल ये फीमेल। मेल फीमेल नहीं होता, मगर कंसीडर करते हैं, मेल नहीं कहेंगे, कोई बैक्टीरिया मेल है कोई फीमेल है। भाई ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव जो मैंने बनाई है, पिलाए हैं, नेगेटिव में होते हैं, नेगेटिव में पिलाए होते हैं। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और पिलाए के थ्रू क्या ट्रांसफर कर रही है? तब होगी ट्रांसफर जब पिलाए आपस में मिले ना, तो पिलाए की होती है ग्रोथ फ्रॉम वन साइड। ये पिलाए उस पिलाए से जाके ग्रो करके मिलेगा, चिपकेगा, पकने की जो प्रॉपर्टी है ना, मगर यहाँ पे फिम्ब्री नहीं कहेंगे। किसी सब्सट्रेट के साथ चिपके तो फिम्ब्री कहेंगे। यहाँ पे जो रीजन है वह है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना। देखें भाई, फिलहाल से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, क्या फ्यूजन हो रही है गैमेट की? एक का मटेरियल जाएगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? दोनों का आधा आधा जेनेटिक मटेरियल मिले, फ्यूजन नहीं है, ये ट्रांसफर है ओनली जेनेटिक मटेरियल का, वो भी कंप्लीट नहीं है, एक दो जीन या टुकड़े या प्लाज्मिड ओनली। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कंसीडर होगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल जा रहा है वो गैमेट कंसीडर नहीं होगा। समझ आ रही है? गैमेट तो टोटल नंबर का हाफ होता है ना, चलो मियोसिस से बनता है ना, मियोसिस तो नहीं हुई तो भाई ये मटेरियल का ट्रांसफर होना, क्या कहा था हमने, पढ़ा था ना, कंजुगेशन ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक हो गया, ओके हो गया। तो भाई ये कंजुगेशन ट्यूब कहेंगे इसको, कंजुगेशन ट्यूब या सेक्स प्लाय, इसको प्लाय को जब क्या करे, जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफर करे, रिकॉम्बिनेशन करे, पैरासेक्सुअलिटी करे। सुने भाई, ये हो गया पिलाय का कॉन्सेप्ट। एक और बात, ये जीनोमिक डीएनए है, ये प्लाज्मिड है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड? इम्यूनिटी काम करता है प्लाज्मिड, याद है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस करना इज द फंक्शन ऑफ इकोलाय बैक्टीरिया अगेंस्ट द लेमडा फेज वायरस
भूल गए हैं आप, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बना, नॉट बना फ्रॉम द जीनोमिक डीएनए, ये बना फ्रॉम द डीएनए ऑफ प्लाज्मिड, और रेस्ट्रिक्शन ने बैक्टीरिया को बचा लिया। बाकी बैक्टीरिया डीएनए को सप्रेस करके टेम्परेट बनाती है प्रोफेज को, ये प्रोफेज को तोड़ के प्रतिया नाश करती है। क्या लाइटिक और लाइजोजेनिक, चलो भाई वायरस ही खत्म। कौन कौन खत्म करती है? इकोलाय, कौन सी वायरस को? लेमडा फेज वायरस को, बाकी वायरस को नहीं मार सकती, क्योंकि इसका जो एंजाइम है, एंजाइम तो स्पेसिफिक होता है, तो पर्टिकुलर साइट पे कट लगाएगा या जहां पे आएगा, तो वो पर्टिकुलर साइट लेमडा फेज के डीएनए में मिलती है, तभी ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेमडा फेज के डीएनए को टुकड़े 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 करता है, और जहां पे कट करता है उसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं ऐसी सीक्वेंस डीएनए की जो उल्टी पड़े या सीधी पड़े एक जैसी हो। बना के दिखाता हूं, एक टी सी जी ए, अगली स्ट्रैंड बनाए टी सी जी ए, इधर से इधर पढ़े या इधर से इधर पढ़े, 3 to 5 या 5 to 3, एक ही रीडिंग होगी, ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं। और भी बना के दिखाऊं, सी सी जी जी, सी सी जी जी है ना, बहुत सारी बनेगी, 4 न्यूक्लियोटाइड की भी होती हैं, 6 की भी होती हैं, 8 की भी होती हैं, और थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद ये रिपीटेटिव होती हैं। इनसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है। अदा यो प्लाय वारो कन्फर्म कजो, प्लाय में मसलो आ, कुछ बुक कीअं चवंदा आहिनि, कुझु कीअं चवंदा आहिनि, असांजा बुक ॾिसो छा था चवनि, पॉज़िटिव में आहे नेगेटिव में आहे न, गूगल पॉज़िटिव चवंदव, गूगल तव्हांखे चवंदव पॉज़िटिव में चए थो न, हा पाण त एक्सेप्शन खे छॾींदासीं न, पाण खे पी एच डी न आहे करणी, बुक खे मञिणो आहे, असांजी बुक मुर्शिद आहे। इंडियन में भी पॉजिटिव है, छोड़ दें भाई इंडियन को, वो पीएचडी कर रहे हैं, वो हमसे बहुत क्या है आगे हैं, नीचे है, भला दिया वे नीचे हैं। सुने भाई, पेज किधर गया वही, उस पर ही पढ़ना था। हाँ भाई सुने, बहुत से सुन रहे हैं, समझाऊं बात में सुने, एक लेयर होती है किसके बाहर, किसके बाहर, सेल वॉल के भी बाहर, वो लेयर इज कॉल्ड एज, वो भी दो तरह की होती है, या मोटी होती है या पतली होती है, या थिक होती है या थिन होती है, या हार्ड होती है या सॉफ्ट होती है, या चिपकने वाली होती है या चिपकने देने नहीं देती, तो इस लेयर को कहते हैं क्या, इस लेयर को कहते हैं ग्लाइकोकैलेक्स, शुगर का कोट अराउंड द सेल वॉल के भी बाहर, आउटर मोस्ट कवर, प्लांट में आउटर मोस्ट कवर सेल वॉल और बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलेक्स, मे बी कैप्सूल, मे बी स्लाइम। ग्लाइकोकैलेक्स के दो फॉर्म होते हैं, अच्छा क्या कहो दादी, एडो मैं पढ़ाया दो मलंगो माता मां के ता इते सजा नजर दाओ, मैंने बोर्ड में मुंह हुंदो आ, मैंने तहां दे मुंह हुंदो आ, मैं तहां के दिस दो आ भी करे थोड़ो ख्याल करे, शीशो लगल आने आईनो आ। हाँ भाई, ग्लाइकोकैलेक्स के कितने फॉर्म है, या तो ये थिक होगा और प्रोटीन इसमें ज्यादा होगी, और ये थोड़ा हार्ड होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी कम होगी, समझ आ रही है ना, और प्रोटीन इसमें ज्यादा होगी और ये एडहेसिव नेचर का होगा,
डेड है सिग्नेचर का होगा, ये चिपकने की प्रॉपर्टी देगा यानी पैथोजेनिसिटी, है ना, या कॉलोनी बैक्टीरिया जो आपकी एक बैक्टीरिया दूसरी से चिपक रही है ड्यू टू द कैप्सूल, या ये होगा सिल्परी नेचर का, थिन होगा और प्रोटीन इसमें कम और लिपिड इसमें, लिपिड नहीं प्रोटीन इसमें कम और पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड इसमें ज्यादा, हाइल्यूरोनिक एसिड इसमें ज्यादा, हाइल्यूरोनिक इसमें ज्यादा, स्लाइम में, स्लाइम किसका बना हुआ है, प्रोटीन पॉलीसेक्राइड एंड और ये मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन, म्यूकोइड नेचर है इसकी, म्यूकोइड म्यूकस, म्यूकस मतलब ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब चिप गई, मजा आ रही है ना, और ये फेगोसाइटोसिस होने से बचाएगी बैक्टीरिया को, मुझे बताएं जो आपके बॉडी में हमारे बॉडी में बैक्टीरिया आते हैं, आने के बाद उनको डब्ल्यूबीसी से खतरा होता है, डब्ल्यूबीसी से बचने के लिए कि खा न जाए क्या रखेगी अपने पास, स्लाइम या कैप्सूल, क्यों, जैसे डब्ल्यूबीसी चिपकेगा स्लिप हो जाएगा ड्यू टू द सिल्परी नेचर ऑफ, अब ये जो कैप्सूल है और स्लाइम है ये काम दोनों का है, पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी को कहते हैं बायोफिल्म, दोनों का काम है, कैसे कैसे पियो अब पानी, कैसे दोनों का काम है, बचेगा तो बीमारी करेगा ना, फेगोसाइटोसिस से बचना भी एक अच्छे पेरासाइट की निशानी है, जो बड़े सीना तां के आ जाए हमारी बॉडी में और आते ही डब्ल्यूबीसी को मार दे, इम्यूनिटी हमारी उससे उसको डिफीट कर दे, तो ये पैरासाइट अच्छा वाला तो नहीं है ना, अच्छा वाला पैरासाइट वो नहीं है जिसको खाना आता हो, मारना आता हो, जिसको अपने आप को बचाना आता हो, वो भी अच्छा पैरासाइट है, ताकत वाला, अडाप्टिव, रेजिस्टेंट टू द बॉडी, रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंट टू द एंटीजन, सॉरी एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, वो अच्छा पैरासाइट है, प्रोटेक्शन भी अपनी पैरासाइटिक नेचर में काउंट होती है। अब अगर आपसे पूछे बायोफिल्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैप्सूल करना, क्यों, क्योंकि बचने से और चिपकने से अगर दोनों को कंपेयर करें तो पैरासाइट चिपकेगा हॉस्ट के साथ तो बीमारी करेगा, ये डायरेक्ट आंसर दे रहा है पैथोजेनिसिटी का, और वो बच के फिर पैरासाइटिक नेचर बन रहा है, वो इनडायरेक्ट आंसर है। अभी आपका जो बुक है वो फिर तो नाम बुक बुधाया, आपके बुक में कैप्सूल लिखा हुआ है और ये कैप्सूल के लिए नहीं लिखा हुआ, स्लाइम के लिए लिखा हुआ, सुने, ग्लाइकोकैलिक्स जो लफ्ज है वो कैप्सूल और स्लाइम दोनों के लिए यूज होगा, ऐसे ही कैप्सूल का स्लाइम मॉडिफाइड फॉर्म है, तो स्लाइम के लिए भी आप कैप्सूल का लफ्ज यूज कर सकते हैं, स्लाइम इज अ मॉडिफाइड कैप्सूल, समझ आ रही है, अभी मैं रीडिंग करूंगा अभी आपको बात समझ आ जाएगी, पेज नंबर 195 कौन सा था, नहीं चढ़वा छोकर पेज बुधायो ना 25 एडो मार्क्स कार्य भाई बड़ो बड़ो लफ्ज लिखल दो ग्लाइकोकैलिक्स इतना पढ़ा दो ग्लाइकोकैलिक्स विद सेपरेट बैक्टीरियल सेल फ्रॉम इट सराउंडिंग, हाँ ये बात सही है मैंने नहीं किया, बर्फानी इलाके के एनिमल को मोटी स्किन बड़े बाल क्यों होते हैं, मोटी स्किन में फेट है और बड़े बाल इसीलिए हैं जो बाहर की ठंड है
स्किन तक पड़े ही ना, मतलब एनवायरमेंट को दूर रखने के लिए बड़े बाल हैं, समझ आ रही है। तो अगर डेफिकेशन से बचना हो, एनवायरमेंट खराब है, कैप्सूल ज्यादा बेहतर है या स्लाइम? दोनों बेहतर हैं, बताएं कैसे। स्लाइम में पानी ज्यादा है इसीलिए गर्मी को नहीं पहुंचने देगा, और कैप्सूल की थिकनेस ज्यादा है गर्मी को क्रॉस नहीं होने देगा, समझ आ रही है बात। तो दोनों डेफिकेशन से प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। डेफिकेशन मतलब टेम्परेचर ये वो बढ़ने की वजह से पानी ना लॉस हो जाए, मर ना जाए बैक्टीरिया, डिहाइड्रेट ना हो जाए, डिग्रेड ना हो जाए, समझ आ रही है, टूट ना जाए। हाँ, रीडिंग कर रहे थे हम, ग्लाइकोकैलेक्स में भी कंसीडर है कैप्सूल या स्लाइम, विच इज सॉफ्ट स्टिकी अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। कैप्सूल अकॉर्डिंग टू द, अगर फेगोसाइट के माहौल में है तो ये स्लाइम होगा यहाँ पे, अगर चिपकने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो वहां पे उसके साथ खतरा ना होगा उसको मारने का, और मारने का टारगेट होगा तो वहां पे इसके पास कैप्सूल होगा बैक्टीरिया, डिपेंड अपॉन द मेजॉरिटी ऑफ द एंडोपेरासाइट के पास स्लाइम होता है, कैप्सूल नहीं होता, मतलब कैप्सूल का मॉडिफाइड फॉर्म होता है स्लाइम, कैप्सूल ही कहेंगे मगर स्लाइम कहते हैं, स्लाइम को कैप्सूल ही कहते हैं। चलो, मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में स्लाइम का ऑप्शन आएगा ही नहीं, कैप्सूल बस, बिना टेंशन के लगा के आना। अगर दोनों में डिफरेंस पूछ ले फिर आप जाना स्पेसिफिक, फिर स्पेसिफिक भी ये पूछेगा लूज कौन है, टाइट कौन है, टेज है, थिक कौन है, थिन कौन है, सॉफ्ट कौन है, फ्लेक्सिबल कौन है, नॉन फ्लेक्सिबल कौन है, तो ये बातें आपको आ रही हैं सारी। अरे यार, पानी न पी आ रहे हो तो मतलब क्लास पूरा कहे हम हो या वे लाइन का रे भाई। हाँ, एनवायरनमेंट कैप्सूल स्टिकी और गमी, गमी मतलब चिपकने वाला, नेचर टू द सेल वॉल वेयर इज द स्लाइम लूजली अटैच विद द सेल वॉल एंड गिव फिल्मी स्लिपरी नेचर टू द बैक्टीरियल सेल व्हिच फॉर्मड बाय द ग्लाइकोपॉलीसेकेराइड पॉलीपेप्टाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड एंड डिफरेंट स्पीशीज, सही है। कैप्सूल प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये स्लाइम का काम है, ये कैप्सूल प्रोटेक्ट फ्रॉम फेगोसाइटोसिस फ्रॉम डब्ल्यूबीसी, स्लाइम का काम है, ये कैप्सूल का काम नहीं है, मतलब कैप्सूल के मॉडिफाइड फॉर्म स्लाइम का काम है, इसने कैप्सूल लिखा है। इस कैप्सूल के लिखने का मकसद ओवरऑल स्लाइम एंड कैप्सूल दोनों है, स्लाइम की बात कर रहा है। एक्चुअली अगर वेरी स्पेसिफिक जाए तो ये जनरल टर्म लिखा हुआ है, ऐसा ना कहना बुक की लाइन है, कैप्सूल का काम है डट के खड़े हो जाना है, ये स्लाइम की बात कर रहा है, लकीर के फकीर ना बने, समझ आ रही है बात। क्योंकि स्लाइम इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैप्सूल, स्लाइम को कैप्सूल नहीं कह सकते, कह सकते हैं इसीलिए इसने कहा है, राइट है, इसको कहना चाहिए, मगर बच्चों की माइंड को परेशानी से बचाने के लिए यहाँ पे स्लाइम लिखना चाहिए था। कहाँ गया? मोस्टली कैप्सूल हाइड्रोफिलिक एंड प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम, मोस्टली कैप्सूल का ये फॉर्म होता है, इसका कहने का मकसद है। स्लाइम का मकसद क्या निकला? मोस्टली कैप्सूल का स्लाइम फॉर्म होता है, कैप्सुलेटेड फॉर्म नहीं होता, इसी लाइन का यह भी मकसद निकल रहा है। ये असल कैप्सूल है, स्लाइम मॉडिफाइड फॉर्म है। अब ज्यादातर बैक्टीरिया में स्लाइम है, स्लाइम तो ये कह रहा है वेयर इज द स्लाइम लूजली अटैच। हाँ, कहां गया? हाइलुरोनिक एसिड से आगे बढ़ रहा हूं। मोस्टली कैप्सूल कौन से फॉर्म में है? स्लाइम के फॉर्म में, ये इसने लिखा नहीं, इसका मतलब ऐसे मोस्टली कैप्सूल आर हाइड्रोफिलिक एंड प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम डेफिकेशन। डेफिकेशन कैप्सूल प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, स्लाइम की बात कर रहा है, एंड इंक्रीज द बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये दोनों की बात है, ये प्रॉपर्टी दोनों में है, ये असल में भी है, नकल में भी है, मगर कैप्सूल में असल प्रॉपर्टी यही है, पैथोजेनिसिटी देना, चिपकना। पहले कौन सी प्रॉपर्टी आई होगी? पेरासाइट की, आस्क को मारना है, आस्क से बचना है, पहले मारना है,
जब मारने गया तो खतरा पहुंचा, फिर सीखा यार मसला तो बड़ा है, अब बचना भी सीखना है, फिर रेजिस्टेंस ही बाद में क्रिएट होती है, समझ आ रही है। पहले उसकी गमी नेचर थी, फिर इसने फास्ट को देख के, आज के पावर को, आज के पैरा डब्ल्यूबीसी को देख के अपने कैप्सूल को कहा नहीं भाई कहा नहीं चलेगा, अब आपको दोनों प्रॉपर्टी आनी चाहिए, अब चिपकने के साथ साथ भागने की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, देन ये मॉडिफाई हुआ है एंड द चलान। ये बड़ा इशू होता है बच्चों को, ये बात समझ नहीं आती। एवोल्यूशन है ना, कैप्सूल से ही स्लाइम बना है, तो स्लाइम के पास दोनों प्रॉपर्टी कैसे नहीं होंगी, क्या वो चिपकने की पैरासाइटिक नेचर छोड़ देगा, पैरासाइटिक नेचर भी उसको रखनी है, फंडास्टी ऑफ नेचर। कहां गया एनदर फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलेज टू प्रमोट एडहेशन। अब ये ज्यादातर कैप्सूल की बात है, मतलब ओरिजिनल फॉर्म विद ईच अदर एंड फॉर्म बायोफिल्म, ठीक है, बायोफिल्म बॉन्डिंग बिकम मोर रेजिस्टेंट एंड हार्डर टू किल, मोर रेजिस्टेंट हार्डर टू किल, बॉन्डिंग टाइट बन गई है, टाइट बन गई है, मतलब ये कैप्सूल थिक वाले की बात कर रहा है, गमी नेचर इतना चिपकेगा कि इसको छुड़ा नहीं पाएंगे यार, छा रहे जियो चेप्टर मा ना चेप रही हूँ चेप पढ़ाई हूँ। रिप्रोडक्शन बर्डिंग एंडोस्पोर एक्सोस्पोर अल्लाह सबा दिया भयो सुबह जो नींद भयो ये वट हो रही इस बुक को टुटरल वाली धक्का दा आना होगा, ये बाइंडिंग करायो तो हाँ भलो कयो तो नहीं, बाकी जब देखे वठाऊंगा बुक का तो वे सजा फाटल है, मैंने भी असली बाइंडिंग खराब है। हाँ हल्ल सन पढ़ायो 15 मिनट ब्या बस, अब मुझे सा निकरे दो।